दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सबसे पहले ले जाते हैं सिलेबस में, जहां पे मैथमेटिक्स के अंदर ए थर्ड और फोर्थ टॉपिक है जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन, जो दोनों को टॉपिक एक रिलेटेड है। तो दोनों टॉपिक को मैं एक साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप नंबर सिस्टम और बोर्ड मास का जो भी एक्सप्लेनेशन में वीडियो बनाया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके डिटेल्स के बारे में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे पांडे गुरुजी चैनल में जाइए और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स फॉर रेलवे एग्जामिनेशन, वहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए, वीडियो आपको ओपन होके आ जाएगा। तो वीडियो को आप तक तो ए वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को दोनों को देखें, और हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आप वीडियो में हमें बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बताएंगे कि ए डेसिमल फ्रैक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं और सबसे कॉन्सेप्ट डेसिमल और फ्रैक्शन का क्या है और क्या रोल है रेलवे एग्जामिनेशन में, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली डेसिमल और फ्रैक्शन से आपको दो या तीन क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन या मैथमेटिक्स का कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है, जो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन में रहता है, उसको आप इजीली से सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि डेसिमल होता क्या है और फ्रैक्शन होता क्या है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेसिमल क्या है, क्या क्या होता है। तो बेसिक डेसिमल जो होता है वो जैसे 0.02, तो ये जो पॉइंट के बाद 0.02 जो मैंने लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। बट जब कोई भी नंबर फॉर्म बटे के फॉर्म में होता है, मीन्स 1/2, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, जिसको ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, जैसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दो होता है, जो ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डेसिमल और फ्रैक्शन में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मैं हर एक पॉइंट को वन बाय वन यहाँ पे आपको समझाया हूँ। आप अभी वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट को अपने नोटपैड में राइट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर मीन्स आप किस पॉइंट को, इस पॉइंट को याद रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है फ्रैक्शन। इट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल और मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। इफ़ ए यूनिट इज डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, देन वन ऑफ देम दिस पार्ट इज टर्म एज ए फ्रैक्शन ऑफ दी दैट यूनिट। मीन्स कोई भी नंबर को डिवाइड करता है कोई भी नंबर से, या हो सकता है इक्वल हो सकता है या इक्वल नहीं हो सकता है, तो उसको क्या होता है, टू वन बटर टू, वन बाय वन इक्वल हो गया तो क्या हो गया, वन, तो ये वैल्यू वन हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट देखते हैं कि द न्यूमरेटर ऑफ इन ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट एंड डिनोमिनेटर मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट हाउ मेनी ऑफ दिस पार्ट मेक अप यूनिट ऑफ होल नंबर। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन एक्स बाय वाई इक्वल टू वन इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल टू इक्वल मीन्स वन बाय वन, मीन्स न्यूमरेटर भी इक्वल है डिनोमिनेटर भी इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। तो ये बेसिक पॉइंट है, इसमें कभी भी क्वेश्चन को घुमा के आपको चार ऑप्शन दे दिया जा सकता है, जैसे द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज वन इफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज जीरो, मीन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन होगा जीरो उसका इफ न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू नॉट जीरो। मीन्स कोई भी वैल्यू को जीरो से को दो से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मीन्स कोई वैल्यू को आप कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जो रिजल्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज इनफाइनाइट
इफ द डिनोमिनेटर इज जीरो, कोई भी वैल्यू को आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है। तो आपको एक क्वेश्चन में आ सकता है कि इफ द डिनोमिनेटर इज जीरो देन द वैल्यू इज इनफाइनाइट, फाइनाइट, नन ऑफ दीज, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आपको कॉपी में अभी नोट डाउन क्वेश्चन को कर सकते हैं या अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन रिमेन अनचेंज इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। तो फॉर सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, कोई भी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है इंटू 3 या इंटू 3 से, तो क्या करता है उसका उसका वैल्यू क्या होता है, अनचेंज होता है। या 1/2 को डिवाइड करते हैं 1 से, इसको डिवाइड करते हैं 1 से, तो उसका वैल्यू हमेशा चेंज हो करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नंबर हमेशा सेम होता है, उसका वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। उसके बाद है प्योर रिकरिंग डेसिमल, तो उस पर एक कॉन्सेप्ट है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल होता क्या है, इन ए डेसिमल फ्रैक्शन इफ द नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट रिपीटेड देन इज कॉल्ड एज ए प्योर रिकरिंग डेसिमल। मीन्स सपोज एक वैल्यू है 6.88888, तो ये क्या हुआ, वैल्यू क्या होगा, रिपीट कर रहा है, तो इसको वैल्यू को क्या बोलते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल। मिस रिकरिंग डेसिमल, इन ए डेसिमल फ्रैक्शन इफ सम नंबर आर रिपीटिव एंड आर नॉट देन इट कॉल्ड द ए मिक्स रिकरिंग डेसिमल। मीन्स 7.86888688, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 88 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो ये बेसिक था फ्रैक्शन और न्यूमरेटर का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिससे ग्रुप डी में बेसिकली इस पॉइंट से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन कंपेरिजन ग्रुप डी का क्वेश्चन ईजी होता है। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली से जवाब दे देंगे। चलिए और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है न्यूमरेटर डेसिमल और फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो सब पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है। तो ये बेसिक फार्मूला है जो आपको मैथमेटिक्स में बहुत से स्टूडेंट को पहले से आता होगा, उसको बहुत ही अच्छी बात है। जिनको नहीं आता है वो एक फार्मूला को एक बार देख सकते हैं, या जो फार्मूले को भूल गए होंगे तो उनको अपने एक फार्मूला को देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिफ्थ है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो दोस्तों ये बेसिक फार्मूला है, तो ये बेसिक फार्मूला जानना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भाग लेना जा रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कोई देने के लिए जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे ये फार्मूला से आप क्वेश्चन कभी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उस फार्मूला से फॉर्मूले को डिराइव कैसे करते हैं। तो ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये स्क्वायर है तो इसको क्या होगा, उधर जाएगा जब तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से आप हर एक फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं कि कितने तरफ से फार्मूला बन सकता है। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आएगा तो डिवीजन बन जाएगा। तो इस टाइप का फार्मूला को डिराइव करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बेसिक फार्मूला आएगा तब भी आप क्वेश्चन को डिराइव कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू बाय ए प्लस बी। तो इससे एक फार्मूला डिराइव होता है। इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए आप ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सेम क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बाय ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक फार्मूला डिराइव हो रहा है। वैसे भी यहाँ पे इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए यहाँ पे भी स्क्वायर को आप इधर जाके रूट में कर सकते हैं। तो ऐसे रूट में हो सकता है। तो आपको यदि कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हो रहेगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी सी सी और रूट में रहेगा, तो उसका आपको वैल्यू निकालना रहेगा। तो जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए ए क्या होगा, टू का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ सपोज 4 लिखा हुआ है, प्लस 9 लिखा हुआ है, प्लस सी का क्या हुआ सपोज 16 लिखा हुआ है। तो इसको आप कोई भी डिजिट को तोड़ करके फार्मूला में डिवाइड करके आप इसको फार्मूले को बना सकते हैं। तो आपको इन फ्यूचर में आपको बताएंगे कि अभी नेक्स्ट में बताएंगे कि कोई भी फार्मूले को यूज करके कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए यहाँ पे जाके यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो एक इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो एक फार्मूला को आप बेसिक रट लीजिए पूरा, आपको ये सारे फार्मूला मुंह में होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन में। ये बहुत ही इजी है, बट कोई भी स्टूडेंट को जिनको ये समझ में नहीं आता है कि कोई फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करें, तो ये चीज़ मैं आपको बेसिक बताता हूँ। क्योंकि वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट देखते होंगे जिनको ये पढ़े होंगे या भूल गए होंगे, या जो कोई सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और पांडे गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रेलवे का जितने भी स्टडी मटेरियल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो ये बेसिक चैनल ही वैसे स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है जो बिना कोचिंग किए हुए एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, जिन्हों पैसे की कमी से या कोई भी चीज़ से कोचिंग नहीं कर सकते हैं या अपने पैसे को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल को हर एक वीडियो को वन बाय वन देखिए। उसमें भी आपको कहीं पे कुछ दिक्कत होता है तो हमारे पर्सनली इस चैनल में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेशन क्या क्या होता है डेसिमल में। तो सबसे पहला होता है, देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द डेसिमल फ्रैक्शन नंबर आर प्लेस अंडर ईच अदर इन द सच ए वे दैट द डेसिमल पॉइंट इन द वन कॉलम। मीन्स कभी जब एडिशन करते हैं तो नंबर जब भी लिखते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट बीच होता है, जैसे एग्जांपल 12.361, उसके बाद 0.236 को ऐड करना है, तो जीरो आप यहाँ लिखेंगे और 236 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद है 1236.1, तो इसको क्या है पॉइंट लिखिए, तो 1236.1 इसको 0 0 लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप एडिशन नंबर को कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि जो पॉइंट होता है तो ये एक साथ होना चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, हो बहुत से दोस्तों को एक कॉन्सेप्ट आता होगा। वैसे इसको एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा 1248.697 होगा, क्योंकि इसको पहले ऐड कीजिए, फिर इसको ऐड कीजिए, फिर इसको ऐड कीजिए, फिर इसको इसको फिर इसको फिर इसको। तो ऐसे ऑपरेशन फ्रैक्शन में किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में कुछ और
पॉइंट। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय पावर ऑफ 10। मीन्स जब भी हम लोग कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन को पावर ऑफ 10 से करते हैं, पावर ऑफ 10 मीन्स 100, 1000, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो कोई भी नंबर को आप डेसिमल फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीधा पॉइंट उसका आगे बढ़ा दीजिए। जैसे 4.2336 को 100 से करना है तो इसका आंसर का 423.60। तो जितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको उतने डिजिट आगे पॉइंट बढ़ा दीजिए। 1 2 3 है तो इसका 1 2 3 यहाँ पे बढ़ गया, तो 0.00 हो गया। वैसे होता है मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल फ्रैक्शन। मीन्स कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन को आप डेसिमल फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? तो उससे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले आप डेसिमल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ डिजिट जितना है वो काउंट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ कितना, 2 2 4 1 5, और पूरे नंबर को डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जितने भी डिजिट है उसके बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं डिवीजन। डिवीजन ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ ए गिवन नंबर विदाउट कंसीडर डेसिमल पॉइंट, वी मेक द डेसिमल डेसिमल पॉइंट इन द क्वाड्रेंट ऑब्टेंड बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द डिविडेंड। मीन्स आप 0.133 को 19 से डिवाइड करें तो उसको आप सिंपली डिवाइड कीजिए, उसके बाद जितने भी डिजिट के बाद वो नंबर फ्रैक्शन है उतना डिजिट यहाँ पे सिंपली पुट कर दीजिए। उसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन बाय डेसिमल फ्रैक्शन। मीन्स जब भी आप कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये कंसिडर करना, माइंड में रखना है कि आप जितने भी, सपोज 0.5056 है और 0.23 है, तो इसमें क्या है कि इसके बाद भी 2 है, इसके बाद भी 2 है, तो ये डेसिमल डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। बट 0.56 है और 2.3 है, बट यहाँ पे क्या है, इस 2 डिजिट है, वहाँ पे 1 डिजिट है, जितने भी डिजिट होता है उसमें माइनस कर देते हैं, तो इसको सिंपल 5.6.23 ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो वही बोला है कि जितने भी कन्वर्ट करते हैं उसको कन्वर्ट कर देना डेसिमल पॉइंट से माइनस करके। उसके बाद बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन दो नंबर है, 4/5 और 7/8। आप जब भी कोई भी दो नंबर होता है तो उसको आप कंपेरिजन करना कैसे करते हैं? तो सपोज आपको बोला गया 7 और 8, तो इसमें आपको कंपेरिजन करना है कि कौन ग्रेटर है, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 7, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। बट कोई भी नंबर जब आपको जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इसका फाइंड आउट करने के लिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास दो नंबर है, 4/5 और 7/8, तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें दो ट्रिक्स है जो आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ग्रेटर और लेस में, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्द आने की ज़्यादा संभावना होती है। आप देखेंगे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप, इस पॉइंट को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको शुरू से अंत तक देखिए और अपने प्रैक्टिकली कीजिए कि ये सॉल्व हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो गया कि आर टू बी कंपेयर दे बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सिंपली कन्वर्ट दिस नंबर इन टू डेसिमल देन कंपेयर। तो कोई भी नंबर दिया रहेगा, 4 या 5 नंबर रहेगा, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए 2 ऑप्शन होता है, एक पहले आपको इस नंबर को डिवाइड कीजिए, उसके बाद एक डेसिमल में लिखिए। दूसरा होता है कि एक मल्टीप्लाई कीजिए त्रिकोणा। एक ट्रिक सुनिए, एक दो भी जो भी नंबर को कंपेरिजन करना है उसको मल्टीप्लाई कीजिए कोने से कोने कीजिए, तो जो जो अपर में होता है उस नंबर को कंसिडर कीजिएगा। तो 8 × 4 = क्या हुआ, 32। तो 32 जो आया वो 4/5 का आया, और 5 × 7 35, 35 किसका आया, 7/8 का आया। तो ये दोनों में नंबर, जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होगा, तो 7 7/8 इज ग्रेटर देन 4/5।
तो इस टाइप का आप कोई भी कंपेरिजन को फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे 4/5, अब यहाँ पे 2 है तो इजीली निकल गया, बट यहाँ पे मैं ये बताया गया कि आपको इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन निकालेंगे। 4/5 को 0.8 है, 3/5 को 3.6 है, 6.8 का 7.5 है, तो डिवीजन करने में काफ़ी परेशानी होती है पॉइंट में, क्योंकि ज़्यादा नंबर रहेगा तो टाइम टेकिंग रहेगा। तो आप इस को फॉलो छोड़ के आप इसको फॉलो कीजिए तो इजीली रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे 2 है तो इजीली निकल गया, बट यहाँ पे 3 है तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे निकलने के बाद 4/5 यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.8 इज ग्रेटर देन 0.75 इज ग्रेटर देन 0.6, 4/5 ग्रेटर है, 6/8 ग्रेटर है, 3/5 ग्रेटर है। तो आपको एक नंबर को चूज करना है, जैसे 4/5 को डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए 3/5 से, तो इसका कितना आया 4/20, और इसका कितना हुआ 15, मीन्स 4/5 ग्रेटर देन। अब फिर 4/5 को 6/8 से कंपेरिजन कीजिए, 4/5 × 6/8, तो 5 × 8 इजकल टू 40, इसको 30, तो 4/5 यहाँ पर क्या हुआ ग्रेटर हुआ, तो इस पे कंपेरिजन हो गया, इस पे कंपेरिजन हो गया। तो आपको फिर से 5 को 6/8 से कंपेरिजन करना है, तो 3/5 × 6/8 तो 24, और 6 × 5 कितना हुआ 30 30। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सब इसका जो है वैल्यू है ये ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4/5 ग्रेटर है, उसके बाद 6/8 है, उसके बाद क्या है 3/5 है। तो ऐसे आपको कंपेरिजन का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है, इसमें डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो ऐसे आप लोग को आपको एग्जामिनेशन में असेंडिंग में हुआ है तो या तो कर सकते हैं, या डिसेंडिंग में होता है। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, घटते क्रम में, मीन्स टॉप 5 4 3 2। असेंडिंग क्या होता है, बढ़ते क्रम में, मीन्स 1 2 3 4 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट करना है, और ट्रिक्स सीख रहे हैं कि कोई भी चीज़ को आप इजीली सॉल्व कैसे करें, ताकि ये ट्रिक्स आप अपने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इफ इन ए डेसिमल फ्रैक्शन ऑल द नंबर आर डेसिमल पॉइंट रिपीटेड, देन इज कॉल ए प्योर रिकरिंग डेसिमल। मीन जब भी डेसिमल पॉइंट मोस्टली रिपीट होता है, जैसे 2 3.3 3 3 3, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो एक कॉन्सेप्ट जैसे एग्जामिनेशन में आ गया कि ये रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन में दे दिया कि इज कॉल्ड प्योर प्योर रिकरिंग, या समथिंग डेसिमल रिकरिंग, समथिंग कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट या आपको याद रहेगा कि प्योर रिकरिंग डेसिमल किसको बोलते हैं। तो आप इजीली क्वेश्चन में टिक मार्क कर सकते हैं और अपना सही जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये डेसिमल और फ्रैक्शन का आज कॉन्सेप्ट के बारे में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट में आपको डेसिमल फ्रैक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और मैं उसके बाद एनालॉजी का क्वेश्चन मैं आप ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ पांडे गुरु चैनल में। उसके बाद अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों साथ अपलोड करूँगा, और जनरल अवेयरनेस भी आपको बहुत जल्दी फरवरी मंथ का आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही लास्ट 6 मंथ के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको लास्ट 6 मंथ का देखना होता है। 6 मंथ काफ़ी होता है लास्ट लास्ट, उसमें भी 6 मंथ में 100 100% में आपको 70 70% होगा क्वेश्चन, वो लास्ट 3 मंथ का आएगा, और जो 30% जो क्वेश्चन आएगा उससे लास्ट फर्स्ट 3 मंथ का आएगा, 3 मंथ का। तो अभी जो जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं कि अप्रैल या मई में लेके चलते हैं कि एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप मई से अप्रैल, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो फेब से लेके आप ज़्यादा ध्यान दीजिए करंट अफेयर पे, फेब, मार्च,
और अप्रैल का, तो बहुत ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इस बार रेलवे ने, हम लोग देख रहे हैं सिलेबस में, रेलवे ने जीके सेक्शन को हटा दिया है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस को एडवांस पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक 10th लेवल पे, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ना है। आप 10th का कोई भी एनसीईआरटी का बुक उठा लीजिए, केमिस्ट्री का या लाइफ साइंस का, बायोलॉजी का, तो इसके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। करंट अफेयर और करंट अवेयरनेस में आपको हर एक रिलेटेड, आपको मैं 5 मंथ का 2 या 3 पार्ट में वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो आपको एक बार देख लेंगे, तो आप इंग्लिश एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो आप एग्जामिनेशन को दोस्तों डेडिकेशन से तैयारी कीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो हमें आप कमेंट कीजिए या मैसेज भी कर सकते हैं हमारे चैनल फेसबुक पेज पे, तो आप यहाँ पे जाके एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन का मेरा एक वेबसाइट है www.itofficerjob.com, यहाँ पे जाके आप टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर सिस्टम का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाइए और टेस्ट दीजिए। तो आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, जो अपने प्लेलिस्ट हैं, प्लेलिस्ट पे मैथमेटिक्स फॉर रेलवे एग्जामिनेशन में अपलोड कर दूंगा, फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट को, वहाँ पे जाके मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताऊँगा कैसे सॉल्व करते हैं वो, कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल में बने रहिए, आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।